हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सहारा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिप्सम के अंदर जो हम प्रोफाइल लाइट के लिए जो ग्रूव कटिंग करते हैं, तो वो एकदम आसानी के साथ और बहुत कम समय में और एक्यूरेट साइज़ का ग्रूव कैसे कट हो, पूरा एक एक mm उसका बराबर कटिंग कैसे हो, इसके बारे में, और हमारा समय भी ज़्यादा ना लगे और एकदम फिनिशिंग में ग्रूव कटिंग हो जाए। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक नया फार्मूला लेकर आया है, जिसके थ्रू से हमारा जो सीलिंग का ग्रूव है, जो जिप्सम के अंदर हम POP के अंदर कट करते हैं, तो बहुत आसानी से और बहुत कम समय में, कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा ग्रूव कट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल सहारा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमने प्रोफाइल लाइट के ग्रूव कटिंग के लिए ये मार्किंग लगाई है। यहाँ पर हम एक बॉटम लगाने वाले हैं, ये लाइन के एकदम लेवल में, ये जो हमने लाइन दोरी पटकी है इसके एकदम लेवल में हम यहाँ पर जिप्सम शीट में बॉटम फिट करने वाले हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर मशीन चलाना है, ग्राउटिंग की मशीन। वो मशीन इधर उधर सरके ना, हिले ना, जगह नहीं छोड़े, इसलिए ग्रूव हमारा एकदम लाइन लेवल में कट हो, एक भी mm आगे पीछे ना हो, इसके लिए हम ये बॉटम ये जिप्सम शीट के अंदर फिट कर रहे हैं। इसको हम बाद में निकाल भी देने वाले हैं। ग्राउट कटिंग की मशीन है जो हमारे कारपेंटर के पास रही थी, फर्नीचर वाले के पास, ग्रूव कटिंग की। इसको ग्राउट मशीन भी कहा जाता है। इसका एक ऐसा बिट है, ये वाला, ये हमको जो प्रोफाइल लाइट का साइज़ है वो साइज़ का बिट लेना है। जैसा हमारा प्रोफाइल लाइट 17 mm का है, हमने ये 17 mm का बिट ये मशीन के अंदर लगा दिए। अब ये मशीन से हम ग्रूव कट करने वाले हैं। ग्राउट मशीन है ये, ये हमने गेज है तो हमारे लाइन दूरी के ऊपर बराबर ये बॉटम को गेज लगाए। अब हम इधर उधर हिलना नहीं बोल के, ये अब हम मशीन से जो है तो इसको कट करने वाले हैं। ये 1 मिनट के अंदर हमारा मशीन के थ्रू से ग्रूव कट हो गया है, लेकिन जिप्सम के ऊपर का जो ये पेपर है, ये जो है तो ये बराबर कट नहीं हुआ, तो हम इसको पॉलिश पेपर से इसको बराबर कर देते हैं। ये पॉलिश पेपर इसके ऊपर हिरा देने के बाद ये हमारा जो पेपर जो सही से नहीं कटा था वो बराबर एकदम इक्वल कट हो जाएगा। ये
एकदम एक मिनट के अंदर हमारा इतना लंबा गुरु कट हो गया ग्राउट मशीन के थ्रू से। सत्रह mm की हमारी प्रोफाइल पट्टी का ट्रैक है, एल्युमिनियम प्रोफाइल। ये देखिए हमारी प्रोफाइल 17 mm, एकदम ये गुरु के अंदर जो है तो बैठ गई है। ये देखिए एकदम इजीली, और गुरु का हमारा फिनिशिंग भी एक नंबर है। तो आप ये ग्राउट मशीन के थ्रू से ऐसा गेज लगा के एकदम कट कर सकते हैं। अब हम ये जो हमारा बॉटम हमने मारे वाला था, ये जो हमने बॉटम गेज का मारे वाला है, ये हम निकाल देने वाले हैं, क्योंकि मशीन इधर उधर हिलना नहीं, इसके लिए हमने ये चीज़ लगाए थे बॉटम। देखिए हमारी बहुत ही लंबी लेंथ की प्रोफाइल लाइट है, ये कम से कम 30 फुट इसका लेंथ है। तो ये भी गुरु हम कितना फास्ट कट कर देते हैं। ये देखो अभी हम मशीन इधर उधर सरके ना, इसलिए ये एक गेज के लिए एक बॉटम पट्टी मार रहे हैं, ताकि हमारी मशीन जो है 1 mm भी आगे पीछे ना हो मशीन को जब हम चला रहे हैं उस टाइम पे। इसलिए हम जो हमारा चैनल पट्टी है उसको शीट के अंदर मार देंगे, और वो वापस हमको निकालना है। ये गेज है सिर्फ, मशीन इधर उधर सरके ना इसके लिए। देखो इतना लंबा गुरु हम कितने फास्ट कट करने वाले हैं, और कितना काम आसान हो जाता है मशीन के थ्रू से। तो देखिए एक मिनट से भी कम समय में हमारा कई फीट तक जो है गुरु ग्राउट मशीन के थ्रू से कट हो गया। नहीं तो अक्सर लोग गुरु कटिंग के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई कटर मशीन से इसको कट करता है, ग्राइंडर से कट करता है, इसके अंदर सही से जो है तो गुरु भी कट नहीं होता और प्रोफाइल लाइट बचने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्रोफाइल लाइट का पूरा की पूरा मेजरमेंट mm साइज के अंदर होता है। इसलिए इसको एक भी mm कम नहीं चलेगा। अगर एक भी mm हमारा गुरु कम कट हो गया तो ये बहुत परेशानी कर देता है इलेक्ट्रिशियंस की, और प्रोफाइल लाइट बैठने में बहुत दिक्कत करता है। तो देखिए हमारा ये गुरु पूरा एल टाइप कट हो गया। अब इसके ऊपर हम पॉलिश पेपर मार देते हैं तो और फिनिशिंग में ये हो जाता है, इसके ऊपर का पेपर वगैरह सब साफ हो जाता है। अब हमने जो मशीन के सपोर्ट के लिए गेज लगाया हुआ था तो हम इसको निकाल देने वाले हैं बॉटम पट्टी। Thank you.
ये प्रोफाइल लाइट हमारी 10 फीट की एक साइज़ वाली है, जो इसका लेंथ है। तो ये देखो एकदम फिक्स आराम से बगैर दिक्कत के ये बैठ गई और एकदम फिनिशिंग में भी नज़र आ रही है। एक मिनट,